नाउ स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 3.1 क्वेश्चन नंबर 1. हाउ विल यू डिस्क्राइब द पोजीशन ऑफ टेबल लैंप ऑन योर स्टडी टेबल टू अनदर पर्सन. मान लीजिए आपके पास कोई भी टेबल है, उस पर आपने लैंप पड़ा हुआ है, तो आपको दूसरे पर्सन को उसकी पोजीशन बतानी है, तो कैसे बताओगे? ये टेबल पे लैंप है, जिस पोजीशन पे, जिस जगह पे लैंप है, आपने मान लिया कि जो टेबल है एक प्लेन है और लैंप जो है एक पॉइंट है, तो आपने इसके दोनों तरह से परपेंडिकुलर लाइन्स ड्रॉ की, दोनों एजेस से, टेबल के एजेस से दो परपेंडिकुलर लाइंस लेते हैं कार्टेशियन प्लेन में बनाने के लिए, पॉइंट्स को लोकेट करने के लिए, तो हमने ले लिया. तो अगर मान लो ये बोर्ड है इतना, मैंने इसके मिडल में इस पॉइंट पे मार्कर रखा है या डस्टर रखा है, कोई भी पॉइंट, अब मुझे बताना है कि ये कितने डिस्टेंस पे है, तो मैं कैसे बताऊंगी? मैंने क्या किया, दो परपेंडिकुलर इसके कॉरेस्पॉन्डिंग लाइन्स ड्रॉ की, तो यहां से ये डिस्टेंस मेजर किया, यहां से ये वाला डिस्टेंस मेजर किया, तो मैं बता सकती हूँ. मैंने मान लिया ये यहाँ से है 15 सेंटीमीटर और ये है 10 सेंटीमीटर. अगर मुझे किसी को इसकी पोजीशन बतानी है तो मैं कह दूंगी 15 और 10 या 10 और 15, डिपेंडिंग कि मैंने एक्स एक्सिस किसे माना है और वाई एक्सिस किसे माना है, कि मैं पहले ये वाले एक्सिस से देख रही हूँ या पहले इस एक्सिस से देख रही हूँ. अगर मैंने इसे एक्स एक्सिस माना है तो मैं लिखूंगी 15 और 10, और अगर इसे एक्स एक्सिस माना है तो 10 और 15. तो डिपेंड करते हैं कि आप कौन सी पोजीशन से देख रहे हो, अपने एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस आपके लिए क्या है. सिमिलरली टेबल की मैंने ये मान लिया कि 25 सेंटीमीटर है, ये मान ली कि जो लेंथ है 30 सेंटीमीटर है, और अगर किसी पर्सन को मुझे टेबल लैंप की पोजीशन बतानी है टेबल पे, तो मैं कहूंगी 25 और 30. तो ये अंडरस्टैंड उसे करना है कि 25 एक तरफ से डिस्टेंस उसका 25 है और दूसरी तरफ से डिस्टेंस जो है 30 है. इसी तरह से सिमिलरली आप किसी भी ऑब्जेक्ट की किसी भी प्लेन में पोजीशन बता सकते हो, क्लियर? तो आपको क्या करना है कि उस जो भी ऑब्जेक्ट है, जो भी पॉइंट है, उसके कॉरेस्पॉन्डिंग एक हॉरिजॉन्टल एंड एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ करो, जहां पे दोनों लाइंस मीट हो रही है, तो ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस आप मेजर कर सकते हो, तुम बता सकते हो. नेक्स्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 2. अ सिटी हैज टू मेन रोड्स विच क्रॉस ईच अदर एट सेंटर ऑफ सिटी. दीज टू रोड्स आर अलोंग द नॉर्थ साउथ डायरेक्शन एंड ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन. तो ये हमने ड्रॉ किया है डायरेक्शन ईस्ट एंड वेस्ट, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ एंड साउथ, और ये दोनों कहां मिल रही है रोड्स, सेंटर ऑफ द सिटी पे. All the other streets of city run parallel to these roads. और जो भी streets हैं इस city में एक दूसरे के parallel हैं. तो मैंने parallel draw कर दी इस तरह से भी और इस तरह से भी parallel. And are 200 meter apart. अगर ये scale में 1 centimeter है, they are about 5 streets in each direction. हर direction में 5 streets हैं. तो मैंने यहाँ पे 1, 2, 3, 4, 5. सिमिलरली 1, 2, 3, 4, 5 स्ट्रीट जो कि पैरेलल है, यूजिंग 1 सेंटीमीटर 200 मीटर. ये 1 सेंटीमीटर का मतलब है 200 मीटर डिस्टेंस. ड्रॉ मॉडल ऑफ सिटी ऑन योर नोटबुक, रिप्रेजेंट द रोड स्ट्रीट बाय सिंगल लाइन. रोड्स और स्ट्रीट्स को सिंगल लाइन से रिप्रेजेंट किया है. देर आर मेनी क्रॉस स्ट्रीट्स इन योर मॉडल. अ पर्टिकुलर क्रॉस स्ट्रीट इज मेड बाय टू स्ट्रीट. कोई भी दो स्ट्रीट्स जहां पे कट हो रही है, क्रॉस हो रही है, तो दो स्ट्रीट्स मिलेंगी एक पॉइंट पे, इंटरसेक्ट करेंगी, तभी तो उस पॉइंट पे कट करेंगी. वन रनिंग इन नॉर्थ साउथ एंड अदर इन ईस्ट वेस्ट, मींस एक ईस्ट वेस्ट की और एक नॉर्थ एंड साउथ डायरेक्शन की जो रोड है वो आपस में इंटरसेक्ट कर रही है. ईच क्रॉस स्ट्रीट इज रेफर टू इन द फॉलोइंग मैनर. इफ द सेकेंड स्ट्रीट रनिंग इन नॉर्थ साउथ, ये सेकेंड स्ट्रीट है रनिंग इन नॉर्थ साउथ, एंड फिफ्थ इन द नॉर्थ ईस्ट वेस्ट मीट एट सम क्रॉसिंग. सेकेंड एंड फिफ्थ ये जहां पे मीट कर रही है इस पॉइंट को हमने दिया है 2, 5, क्लियर? तो सेकेंड और फिफ्थ उसको हमने दे दिया 2, 5. यूजिंग दिस कन्वेंशन हाउ मेनी क्रॉसिंग्स कैन बी रेफर टू एज 4, 3. 4, 3 मीन्स यहां पे 4 और ये 3, जैसे हमारे पास था 2 और 5, तो ये आया था 2, 5.
तो फोर मीन्स फोर्थ ये वन और थ्री थर्ड दिस वन आर रेफर टू एज थ्री फोर, यहाँ की थ्री और ये वाली डायरेक्शन की फोर, तो थ्री फोर इस तरह से हम इसे ड्रॉ कर सकते हैं।